हाथ से तलवार नहीं छूटनी चाहिए। युद्ध में प्राण देने वाला शिव के समान है सेनापति। इस लड़ाई को रोकने का हक आपको किसने दिया? इस महासंग्राम को ना तो मैंने शुरू किया और ना ही आप लोगों ने। आप लोग लड़ने से डर रहे हैं क्योंकि सिर्फ 100 बचे हैं। इस युद्ध का पहला बिगुल 10 साल पहले फूंकने वाला था एक अकेला वीर। इस ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला देने वाला योद्धा एक ही था। बेटा हुआ है लेकिन मरा हुआ। उसका जन्म ही एक महायुद्ध था और उस युद्ध में वो मृत्यु को मार के विजयी हुआ। वो मृत्यु को हरा कर पैदा हुआ है, अब मृत्यु से छू भी नहीं सकती। वो एक योगी था, एक महायोद्धा था, स्वातंत्र की पहली अलख जगाने वाला रेनाडू का सूर्या। सुना है आपने पूरे देश का भ्रमण किया है? हाँ। क्या सारे देश में गोरे लोग हमारे लोगों को इसी तरह मार रहे हैं? हाँ, मार रहे हैं। तो हमें भी उन्हें मार देना चाहिए ना नरसिम्हा? सबसे पहले ईस्ट इंडिया में ब्रिटिश कानून लागू किया जाए। छोटे इलाकों से शुरू करके धीरे धीरे समय के साथ पूरे इंडिया में इसे फैला दिया जाए। मौजूदा टैक्स 300% बढ़ा दिया जाए। और इस तरह ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत पर कब्जा कर लिया। वो बड़े अफसर जिनका अकेला मकसद भारत को लूटना था, उन्हें ऊंची कुर्सियों पर बिठाकर हमारे देश भेज दिया गया। शैतानों की सेना का नुमाइंदा कॉकरेन दक्षिण भारत की तरफ बढ़ने लगा, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। लेकिन उसे वीर भूमि रेनाडू के बारे में क्या पता था? वो कहां जानता था कि रेनाडू का सूर्य अंधकार की छाती चीर कर उदय हो चुका है। रेनाडू की धरती 61 छोटे छोटे राज्यों में बटी हुई है। इन राज्यों के सामंत पालेगार कहलाते हैं। ब्रिटिश इन पालेगारों से उनकी सत्ता और एकता दोनों छीन चुके हैं। लेकिन अवुकु राज्य के पालेगार अवुकु राजू, माइदुकुरु के पालेगार वीरा रेड्डी और कर्नूल के पापा खान उन 61 पालेगारों में से हैं जो आज भी स्वतंत्र शासन कर रहे हैं। नरसिम्हा रेड्डी ने इन सबको एकजुट करने के लिए एक महोत्सव का आयोजन किया। स्वामी, मेरा बेटा नरसिम्हा अंग्रेजों की इच्छा के विरुद्ध ये महोत्सव कर रहा है, क्या वो सफल होगा? नरसिम्हा रेड्डी कोई आम आदमी नहीं है, वो पृथ्वी पर एक लक्ष्य लेकर जन्मा है। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में वेद के साथ उसका पालन हुआ है, उसे अब कोई नहीं रोक सकता। ये तुम्हारे नृत्य का भी समय हो रहा है, जल्दी करना। क्या हुआ बेटी? हाँ, स्वामी जी, अंदर कोई है। अच्छा, वो महोत्सव से पहले
सरोवर में रहने वाले संगमेश्वर स्वामी की स्तुति करने की प्रथा है। हाँ, लेकिन इतनी देर पानी में? जल में सांस रोकने की विद्या जानने वाले एक महापुरुष है, मज्जारी नरसिम्हा रेड्डी जी। तुम्हारे लाए हुए वस्त्रों से भगवान का फिर श्रृंगार हो रहा है पापा खान। ये हमारे भाई नरसिम्हा रेड्डी की महिमा है कि अंग्रेजों का बंद करवाया हुआ ये उत्सव फिर से शुरू हो गया। या अल्लाह, इस जश्न को किसी की नजर ना लगे, सब मिलकर दुआ करो। मैं इसे होने नहीं दूंगा। क्या उकुराजू, इस मेले की तैयारियां युद्ध स्तर पे हुई हैं, कहां कहां से लोग मेला देखने आ रहे हैं, होने नहीं दूंगा का क्या मतलब? ये मेला कौन करवा रहा है? नरसिम्हा रेड्डी। इस मेले में योगदान हमारा भी है ना? पर नाम नरसिम्हा रेड्डी का होगा। अच्छा, मुकाबला कौन जीतेगा? नरसिम्हा रेड्डी, और कौन? और हम जीत जाए तो भी सब नरसिम्हा रेड्डी की जयकार करेंगे कि उसने इतना निष्पक्ष मुकाबला करवाया। यानी जीते कोई भी, जयकार उसी की होगी। क्या ये सही होगा बसी रेड्डी? तो नहीं जीतेगा। अपने आदमी को देखो वहां, वो नशीली दवा बैलों को पागल कर देगी। नरसिम्हा रेड्डी हो या फिर भगवान नरसिम्हा ही क्यों ना हो, ये मुकाबला कोई नहीं करवा सकता। बुली रेड्डी, दवा और ज्यादा मिला दो, ये मुकाबला क्या महोत्सव ही नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी सुनो तो, किसे ढूंढ रही हो?
हमारे आदमी ने इसे दवा मिलाते देखा तो सच पता चला। अरे जो हो गया सो हो गया, कोई अनहोनी तो नहीं हुई ना, भूल जाओ सब कुछ ठीक है। आपको राजू भी तो पालेगार ही है। चलो छोड़ो अब जाओ, सब ये उनकी खानदानी दुश्मनी है सब जानते हैं, तमाशा खत्म। रुक जाओ। यहाँ वो अकेला पालेगार नहीं है, कुल मिलाकर हम 61 पालेगार हैं यहाँ, पूरी की पूरी प्रजा भी मौजूद है। ये उत्सव सबका है बसी रेड्डी, राजा हो या प्रजा, न्याय सबके लिए बराबर है। आपको राजू को क्षमा मांगनी ही पड़ेगी। सब चुप क्यों हैं? पिताजी न्याय की बात कर रहे हैं, इन्हें क्षमा मांगनी ही चाहिए। हाँ हाँ, क्षमा तो मांगनी ही चाहिए। एक पालेगार क्षमा कैसे मांगेगा? अपना सर काट दूंगा लेकिन क्षमा नहीं मांगूंगा। अवकु राजू। पापा खान, माना कि अवकु राजू ने अपराध किया है, लेकिन ये पालेगार हैं 70 गांव के, ये तो सब जानते ही हैं कि इन्हें मुझसे नफरत है, और यही नफरत इस अपराध का कारण भी है। लेकिन ये अपनी प्रजा से प्रेम करते हैं और प्रजा पर इनके कई उपकार भी हैं, तो उनकी खातिर इन्हें हम क्षमा कर देते हैं। नरसिम्हा रेड्डी, तुम मुझ में अच्छाइयां देखते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ये मेरी ईर्ष्या नहीं, मेरा स्वाभिमान है नरसिम्हा रेड्डी। मेरा भी दिन आएगा नरसिम्हा रेड्डी, उस दिन सर झुकाकर तुम मुझसे क्षमा मांगोगे और मैं सर उठाकर तुम्हें क्षमा कर दूंगा। इस मिट्टी में वीरता है, ये वीरता तुम में भी है और मुझ में भी। अपनी ये वीरता दुश्मनी पर नहीं, अपने देश पर खर्च करो। उसके बाद मैं तुम्हारे आगे सर झुका भी सकता हूं और वक्त आने पर तुम्हारे लिए सर कटा भी सकता हूं। अरे तेरा नरसिम्हा रेड्डी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करेगा? हमारे मना करने के बावजूद वो ये महोत्सव करवा रहा है, हम ये और बर्दाश्त नहीं करेंगे। मद्रास चिट्ठी लिख दी है मैंने, अब वो लोग देख लेंगे उसे। वहाँ खबर पहुँचाने के लिए ही तो किया, असली महोत्सव तो अब शुरू होगा। अद्भुत। हम जानते हैं लक्ष्मी जी, लोगों के हित के लिए क्या आप अपनी कला को नए अंदाज में प्रस्तुत नहीं कर सकती? ये लक्ष्मी सिर्फ देवताओं के लिए नाचती है, उन्हीं के लिए गाती है, आम मनुष्यों के लिए नहीं। भगवान भी तो इंसान के लिए ही है ना, लोगों को जगाने के लिए अपनी कला को थोड़ा सा बदल लीजिए, फिर देखिए कितना निखार आ जाएगा। क्या हुआ, अभी भी उनके बारे में सोच रही है? पता नहीं, डरती हूँ मैं कहीं उनकी बातों में खो ना जाऊं।
जानबूझकर आग लगाई। कौन है मनीष? किसने किया है ये? मैंने लगाई आग। मैंने लगाई। जिस घर में तुम दीप जलाती थी उसी घर को तुमने जला दिया? तो और क्या करती, कभी हम राजाओं की तरह रहते थे, अंग्रेज आए और इस भूमि को दरिद्र कर दिया। उसमें 2 साल हो गए हमें सूखे की मार सहते, किसी तरह हमने आधी अधूरी फसल उगाई, वो भी अंग्रेज लगान के तौर पर उठा ले गए। अब तक तो मैं किसी तरह बच्चों का पेट पालती रही, लेकिन अब मेरा बेटा चोरी पे उतर आया है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? जो हाथ देने के लिए उठे थे उन्हीं को चोरी करता हुआ नहीं देख सकी मैं। मैंने सोचा अपमान के जीवन से सम्मान की मौत अच्छी, क्या हुआ बेटा? तुम्हें भूख लगी थी? माँ हमें खिलाती और खुद भूखी रहती। मैंने पड़ोसी के घर में खाना देखा तो माँ के लिए ले आया। क्या ये पाप है? बड़े भैया, वियालावाड़ा और नौसम किले के गोदामों का अनाज बैलगाड़ियों में भर के ले आई है। आज से रेनाडू की इस धरती पर कोई भूखा नहीं सोएगा। बांट दीजिए सब में, जैसा तुम कहो। चोरी करना पाप होता है बेटा। चोरी मतलब? जो चीज हमारी नहीं उसे हाथ लगाना चोरी है। और हमारी हो तो? तो वो हमारा हक है, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। रेड्डी जी, आपने मुझे बुलवाया, मैंने इस महीने की पेंशन भेज दी है। राघवाचारी, जब तक अच्छी फसल होती रही ये लोग तुम्हें समय पर लगान दे रहे थे या नहीं? बिल्कुल दे रहे थे सरकार। तो जाकर अपने मालिकों से कह दो सूखे में लगान नहीं मिलेगा। क्या कहा? ये कहा कि अगले साल भी लगान नहीं मिलेगा। समझा नहीं। ना माने तो हम उनकी हड्डियों का हल बनाकर अपने खेत जोतेंगे और दुगना लगान चुका देंगे। आफत आ गई तो? आने दो, मुझे उसी दिन का इंतजार है। समझ गया। जब तक सूखा पड़ा है अंग्रेजों को लगान देने की कोई जरूरत नहीं है। ये गाड़ियां नरसिम्हा रेड्डी को वापस भेज दो, हमारे गोदाम से अनाज निकालकर प्रजा में बांट दो। मैं अपने लोगों को नरसिम्हा रेड्डी की तरह अंग्रेजों को लगान देने के लिए मना नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकता। वीरा रेड्डी, एक पालेगार दूसरे पालेगार के इलाके में दखल ना दे। चलिए पिताजी, हमारी जागीर का फैसला हम खुद करेंगे, हम रहेंगे नरसिम्हा रेड्डी के साथ। चलिए। प्रेसिडेंसी एक साल में जितना टैक्स भरती है उसमें पूरा लंदन 25 साल तक बैठ के खा सकता है। ये डाटा मंडलम से इतना कम टैक्स क्यों आया है? वहाँ से शुरू से टैक्स इकट्ठा करना मुश्किल रहा है सर। रीजन? रेनाडू की महिमा है सर, कहते हैं वह पैदा हुआ खरगोश भी चीते से लड़ जाता है। बात यह है कि वहाँ के पालेगार और प्रजा से परेशान होकर निजाम जी ने वो जमीन आपको सौंप दी है, तभी तो उसे दत्त मंडलम कहते हैं। वहाँ अक्सर सूखा पड़ता है लेकिन वो लोग किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। टैक्स तो वो देंगे लेकिन अपने मन का। जरूरत पड़ी तो उन सबको मार के टैक्स ले आओ। मार तो वो भी हमें सकते।
थॉमस मुनरो के राइतवारी एक्ट ने उनके सारे पावर छीन लिए, लेकिन लोग अपने पालेगारों पर जान देते हैं। सच तो ये है सर, हमारे लोग भी उनसे डर के मारे कांपते हैं। Tell me in one sentence. उय्यालावाड़ा नरसिम्हा रेड्डी, वो उन सब की ताकत है सर। तुमने उसे देखा है कभी? देखा तो नहीं, लेकिन उसके बारे में कहानियाँ सुनी है। 10 बरस की उम्र में एक आदमखोर चीता मार के अपने कंधे पर उठा लाया था। You Indians are all bloody barbarians, Madhavaya. सुनी सुनाए बातों पर भरोसा कर लेते हो। उस एरिया को कलेक्टर नहीं बल्कि चाहिए एक हंटर। हो रहा है राजा और काला उसका स्लेव। इस बनारस सेल के लिए विक्टोरिया शिप 6 महीने से वेट कर रहा है। हमारे पास रंग नहीं है सरकार। रंग हम तुमको देगा। ये ब्याह नहीं त्योहार है, हिंदू मुसलमानों के बीच प्रेम का त्योहार। अगर मुझे पता होता आप आ रहे हैं, मैं यहाँ कभी नहीं आती। और मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया क्योंकि तुम यहाँ आने वाली थी, ताकि अपने मन की बात बता सकूं। मेरे माँ बापा बचपन में ही गुजर गए थे, मेरे अपने सब मुझसे दूर हो गए। मैं जिस किसी को भी चाहती हूँ उसे खो देती हूँ हमेशा। इसीलिए मैं देवता की शरण में आ गई और अपनी कला से उनकी पूजा करने लगी। मैंने देखा है आपको, बहुत महान व्यक्ति हैं आप। मेरे पास मत आइए वरना आपको भी खो दूंगी। तुम मुझसे दूर भी चली जाओ फिर भी मेरा प्रेम तुम्हारे साथ रहे। बोलो, जैसे भागमती के नाम पर यह भाग्य नगर बना है, वैसे ही तुम्हारे लिए वीर वेंकट महालक्ष्मी के नाम का एक नया नगर बसा दूं। बताओ लक्ष्मी, बोलो। लक्ष्मी नाम के आगे नरसिम्हा जोड़ दीजिए बस। स्वामी, नौसम किले को खबर भेजती है, नरसिम्हा रेड्डी वहां भी नहीं है। और आज कार्तिक पूर्णिमा है, उसे टीले पर दीपक जलाना है, उसे याद तो होगा ना। वो हर कार्तिक पूर्णिमा के दिन दिया जलाता है, आज भी वही जलाएगा। नरसिम्हा रेड्डी को सत्य बताने का समय आ गया, कल यज्ञ की तैयारी कीजिए। ओ बन्ना, ये सब क्या हो रहा है? कोई यज्ञ होने वाला है, गुरुजी भी आए। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान, सीमा में अकाल पड़ा है, वर्षा के लिए यज्ञ करना होगा। चल। जैसी आपकी आज्ञा। तैयार हो जाओ। नरसिम्हा जी। माँ, ये वस्त्र पहन लो। ठीक है माँ। बोल ना, आप बोलिए ना। नहीं नहीं, तू बोल। माँ, हाँ, कुवारे पुरुषों को तो यज्ञ नहीं करना चाहिए ना, तो फिर मैं कैसे? तुम्हारा विवाह बचपन में हो चुका है, सिद्ध माँ के साथ हो चुका है नरसिम्हा। परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई कि यज्ञ के लिए हमें सिद्धम्मा से तुम्हारा ब्याह कराना पड़ा। तो
यज्ञ की खातिर हमने ये सब कर तो दिया, फिर पता चला तुम्हारी कुंडली में दोष है। तुम और तुम्हारी पत्नी 24 वर्षों तक एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, वरना तुम्हारे प्राण संकट में आ जाते, तो हमें तुम दोनों को अलग करना पड़ा। दोबारा यज्ञ की घड़ी आते ही तुम्हारा दोष समाप्त हो गया। सिद्धिमा के साथ तुम्हारा विवाह देवताओं का निर्णय है। जाओ आगे बढ़ो। लोगों के अश्रु मिटाने के लिए सिद्धिमा के साथ यज्ञ करो। लक्ष्मी, तुम अपने आप को मृत्यु दंड क्यों दे रही हो? अपराध तो मुझसे हुआ है, तो मुझे दंड दो। ये सब सहने की ताकत नहीं है मुझ में। ये मेरे साथ ही क्यों होता है? हमारे माता पिता तो ईश्वर चुनता है, अपना स्वाग तो मैं खुद चुन पाती, लेकिन मुझसे यह अधिकार भी छीन लिया गया। कम से कम मेरी मौत तो मुझे चुनने दीजिए। रुको। ईश्वर हर किसी को कला नहीं देता है, और तुम्हारी कला तो लोगों में नई जागृति पैदा कर सकती है। यह कला ना तुम्हारे लिए है ना उस ईश्वर के लिए, यह लोगों में नई प्रेरणा जगाने के लिए। तुम्हें अपने प्राण देने का कोई अधिकार नहीं है। मर के जब हम ईश्वर के पास जाएं तो हमें इस लायक होना चाहिए कि उससे आंखें मिला सके, गर्व से कह सके कि हम मरने से पहले जी भर कर जिए, आखिरी सांस तक जिए। हर जीवन का एक प्रयोजन होना चाहिए, बल्कि हर मृत्यु एक नए जीवन का शुभ आरंभ होना चाहिए। जिस दिन अपने जीवन का लक्ष्य पा लिया, उसी दिन अपनी मृत्यु का उद्देश्य भी पा लिया।
आपकी इच्छा से नहीं हुआ है ना? बचपन का प्यार है, इच्छा अनिच्छा का सवाल ही कहां उठता है। आपकी बात तो सही है, पर मैंने तो बचपन से सिर्फ आप ही को चाहा है। तुम्हें पता था कि हमारा ब्याह हुआ है? और क्या, मुझे तो बचपन से ही पता था। बचपन से लेके आज तक आप ही मेरे संसार हैं। आपके लिए न जाने कितनों से लड़ी, यहाँ तक कि अपनी अम्मा से भी। सब कहते थे कि अगर मैंने आपको देखा तो दोष लगेगा, इसलिए आपसे कभी मिल नहीं पाई। आप यकीन नहीं करेंगे, नींद खुलते ही पहले आपके बारे में पूछती थी। आपकी वीरता भरी कहानियाँ सुनकर बहुत खुश होती थी। हर रोज आप जिस मंदिर जाते थे मैं भी वहीं जाती थी। जैसे आप पूजा करते थे वैसे मैं भी पूजा करती थी। उस दिन उत्सव में जैसे ही मैंने आपको आते हुए देखा, मैं सरोवर की ओर चली गई। मुझे डर था कि अगर आपको पानी में भी देख लिया तो आपको दोष लगेगा। ये 24 साल मैंने कैसे गुजारे सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मुझे सिर्फ उस पल का इंतजार था जब आपको जी भर के देख सकूं। यज्ञ के समय भी मैं आपको देख नहीं पाई, इस डर से कि कहीं आपको देख के रोना पड़ू। वहां लोग देखते तो क्या कहते। आप गए तो अब देख लो। वेलकम टू कोयलकुंटला सरकार। स्वागत है। ये इलाका बहुत ज्यादा पीसफुल लगता है। समाचार है तुम्हारे लिए, अब तुम्हें फसल पर लगान देने की कोई जरूरत नहीं है, बस जमीन पर देना होगा। भेजे में नहीं घुसी बात, अब से फसल पैदा हो या ना हो, जितनी जमीन है उतना लगान देना ही होगा। दया सरकार, हमसे तो फसल का ही लगान नहीं दिया जा रहा, ऐसे में अगर पैदावार ना हुई तो कहाँ से देंगे लगान? तो फिर कानून के मुताबिक ये जमीन हमारी, इन मजदूरों को इनकी मेहनत का जो बनता है दे दो। जी सरकार। हम मजदूर? सरकार, ये जमीन हमारी माँ है, माँ के बिना कैसे जिएंगे सरकार? कहाँ तक है तुम्हारी जमीन? उस पहाड़ी तक है सरकार, कुल 5 गांव। अपने जमीन को बचाने के लिए तुम कुछ भी कर सकता है? जान दे सकते हैं सरकार। Let's play a game. यहाँ से जितने दूर तुम दौड़ सकता है दौड़ो, जितने जमीन पर तुम दौड़ गए वो जमीन तुम्हारी हुई, बट हमारा घोड़ा भी तुम्हारे साथ में दौड़ेगा।
अगर वो एक कदम भी तुमसे आगे निकला तो वहां से जमीन हमारी हो जाएगी। लेकिन अगर तुम हमारे घोड़े से आगे निकल गए तो वहां से जमीन तुम्हारी। तुम्हें शर्त मंजूर है? सरकार, लगता है अपना घोड़ा मैसूर से पहले नहीं रुकेगा। Run, you! उठो सुभाया, ये लो। आराम से। रेड्डी जी, आपने बोला लगान नहीं देना, लेकिन जैक्सन सर बोलते हैं आप तो पालेगार हैं ही नहीं। यानी नौसम का आपको गोद लेना नए डलहौजी लॉ के मुताबिक गैर कानूनी है, तो आप इस जमीन के कानूनी वारिस नहीं हुए ना? मेरी विरासत पे सवाल उठाने वाला तू होता कौन है? मेरे दादा विलायत गए थे तो उनसे तू पैदा हुआ था या तेरा बाप? भाई है, बेटा है, दामाद है, कौन तू? Shut up! इनकी तरह तू भी मजदूर है, लगान नहीं दिया तो सजा जरूर मिलेगी। क्यों दे तुझे हम लगान? हाँ, बादल तो लगान नहीं मांगते, मिट्टी भी नहीं मांगती, फसल भी नहीं मांगती, तो तू कौन होता है लगान मांगने वाला? से लेकर फसल तक सब हमारा है, पसीना हमारा है, खेत हमारे हैं, बीज हमारा है, पानी हमारा है, ये धरती हमारी है, इसका अनाज हमारा है, तो फिर हम तुझे लगान क्यों दें? हम इस धरती की संतान हैं, इस मिट्टी पर हक हमारा है, तो फिर हम तुझे लगान क्यों दें? सरकार, इस भूमि पर हल किसने चलाए? हमने चलाए। तो इसकी पैदावार पर किसका हक है? सरकार, रुक जाइए जरा, भीड़ तो देखिए, देखिए चारों तरफ, ये समय ठीक नहीं है, चलिए प्लीज कम। अपना सर झुका, झुका, अब जा, और ध्यान रहे सर उठाने की गलती हरगिज मत करना, अब सीधे लंदन में ही सर उठाना, वरना पछताएगा, यहां दोबारा कदम रखा तो सर काट दूंगा। चल सरकार, घोड़े ने क्या किया है?
नरसिम्हा रेड्डी ने इसके दिल में डर भर दिया है। जब भी हम इस पर बैठता है ये हमें उस डर की याद दिलाता है। इस नरसिम्हा रेड्डी को मारने के लिए मद्रास से बटालियन बुलवा लें सरकार। मद्रास की ताकत हमारे दम से है, मारना हमें नरसिम्हा रेड्डी को नहीं, उन गुलामों में सर उठाती हुई बगावत को है। हम दिखाएगा उन्हें डर किसे कहते हैं, फिर देखेंगे ताकत किस में है। उसका एरिया छोड़ दो, बाकी पूरे दत्त मंडलम से टैक्स की वसूली करो। मरते हुए सभी लोगों की चीखें उसके गांव तक जानी चाहिए। इतनी दहशत फैला दो कि उसकी हिम्मत ही टूट जाए। सुना है तुमने लगान देने से मना किया है, अपना लूटा हुआ एक मुट्ठी धन भी हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। What about Datta Mandalam tax? सब रेडी है सर, सिर्फ एक एरिया को छोड़कर। प्रणाम मालिक। बोलिए। मालिक, कल जंगम मलैया जी बड़े पैमाने पर भूमि पूजन करने वाले हैं। अकाल के कारण जिनकी शादियां रुक गई थी, क्यों ना वो भी संपन्न कर ले। जरूर, ये शुभ आमंत्रण आप मेरे बड़े भाई को दे दीजिए। जैसे आपकी इच्छा। जंगम मलैया जी। सरकार, मैं कल जगन्नाथ मंदिर अपनी पूजा करने जाऊंगा जी। आप उसी समय अपनी भूमि पूजन का शुभारंभ कर सकते हैं। जो आज्ञा सरकार। ओ बन्ना। सरकार, नौसम किले से हमें इस बार जितनी भी पेंशन मिली है वो इन जोड़ों को शादी के उपहार में दे दीजिए। जी सरकार। पेंशन? हाँ। ओ देखो तो सही, पेंशन लेने आया था। मिल गई ना पेंशन, देख लिया ना। बोल दिया नरसिम्हा रेड्डी को, हम उसे पालेगार नहीं मानते क्योंकि उसे तो गोद लिया गया था। इस कुत्ते को समझ में नहीं आया कि पेंशन नहीं मिलेगी। पूरा सिर मुंड दो, दोबारा यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए। भगवान को भोग लगाएंगे, उसके बाद ही हम खा सकते हैं। भूख लगी है माँ। अपने फसल की पहली कटाई देवी माँ को अर्पण करें। Thank you.
लगता है इस बार फसल अच्छी हुई। सो जा, सारा अनाज गाड़ी में डाल दो, जल्दी भरो। सरकार सरकार, 2 साल बाद इतनी अच्छी पैदावार हुई है, हम थोड़ा थोड़ा करके लगान भर देंगे। क्या क्या क्या, याद है आपने कहा था ये फसल हमारी है, ये धरती भी हमारी है। इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई बेवकूफ? अगर हम 66 गांवों की पैदावार भी ले जाए तो 1 साल का लगान रह जाएगा। सरकार सरकार, पूरा अनाज आप ले गए तो हम लोग क्या खाएंगे? Okay. इनको हमारा ब्रिटिश रूल समझाओ राघव आचार्य। जी सरकार, सब ध्यान से सुनो। ब्रिटिश सरकार ने नया कानून पास किया है, आज से गांव में जिसका भी ब्याह होगा उसकी दुल्हन पहले गोरे साहबों के साथ सोई। इससे तुम्हारा ही फायदा है, इससे तुम्हारा काला नस्ल गोरा हो जाएगा। सबसे पहले हम इन 10 दुल्हनों के साथ सोएगा। डर क्यों रही हो? हमको सब एक साथ थोड़ी चाहिए, रोज रात एक काफी है। तुम सभी गांव वाले फैसला करो कि कब किसको भेजना है और अपनी फसल वापस ले जाओ। तुम लोग फसल दोगे या फिर लड़कियां? अरे रो क्यों रहे हो, सरकार ने कहा है कि लड़कियों का लाभ फसल से चुकाएंगे। लड़कियां दो, फसल ले जाओ। सरकार भूख तो हम फिर भी सह लेंगे, बेइज्जती नहीं सह पाएंगे। सरकार अनाज ले जाइए, सरकार आप हमारा पूरा अनाज ले जाइए। After all, औरत की इज्जत के वास्ते तुमने 66 गांव की फसल कुर्बान कर दी। You bloody barbarians! Soldiers, move the crop! बेटा वापस रख दे। नहीं रखूंगा। शाम 6 बजे तक तुम्हें वक्त दिया।
जाने दो उसे। हम कोयल कुंडला में ही रहेंगे। मास्किप का काम, उसे बोलो हमारा पांव पड़ के माफी मांगे। हम उसको अपना गुलाम बनाकर जिंदा छोड़ देगा, वरना उसे भी यही जला देगा तुम्हारे सामने। बन्ना सरकार, टिंडोरा पिटवा दो। इस दत्ता मंडलम के गांव गांव, गली गली, घर घर में ये ऐलान करवा दो। कल शाम से पहले उसके घर में घुस के उसका सर काटूंगा और रेनाडू का बच्चा बच्चा ये अपनी आंखों से देखेगा। इस मासूम की जली हुई मुट्ठियां साक्षी हैं और सूली पर चढ़े ये किसान साक्षी हैं। इन दुल्हनों की आंखों के आंसू साक्षी हैं। ये बच्चारी नरसिम्हा रेड्डी उसे मृत्यु दंड देगा।
सरकार, दत्ता मंडलम से लूटा हुआ पैसा ट्रेजरी में नहीं है, सिर्फ 805 रुपया 10 आना और 4 पैसा मिला है। सारा मद्रास जा रहा है। जाने दीजिए सरकार, उस जैक्सन से मुक्ति मिल गई, इतना ही काफी है। काफी नहीं है, सिर्फ उसकी मौत काफी नहीं है, हमें हमारी संपदा भी वापस चाहिए। वो हमारा धन है, हमारा स्वाभिमान है, एक घास का दिन का भी हमारी जमीन से नहीं जाना चाहिए। Soldiers, on the alert. भगवान नरसिम्हा ने अवतार ले लिया है सरकार। What? जो कहानी आपको मनगढ़ंत लगती थी वो अब सच हो गई। कभी हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस हुआ करता था जो अपने आप को अमर मानता था। अमर है। उसे मारने के लिए भगवान नरसिम्हा खंबा चीर के प्रकट हुए। उसकी मृत्यु ना घर में हुई ना बाहर, ना दिन में ना रात में, ना धरती पर ना आकाश में, संहार हुआ उसका। वो अवतार संहार से खत्म हुआ, ये अवतार संहार से शुरू हुआ है सरकार। Bullshit! ये अवतार जिसने एक महासाम्राज्य को ललकारा है उसका अंजाम इतिहास में लिखा जाएगा। Soldiers, for the queen, crown, and the country! Lord Narasimha ka avatar? No, label him a decoy. उसने सारे के सारे ब्रिटिश साम्राज्य के खजाने लूट लिए। वो देवता नहीं, एक डाकू है। मैं इस नरसिम्हा रेड्डी को देखना चाहता हूँ। एक चित्रकार से उसका चित्र बनवाओ जिसने उसे देखा। ये लेटर लंदन पहुंचने से पहले मैं उसे मरा देखना चाहता हूं। सर, 57th रेजिमेंट, 300 सोल्जर्स रेडी। सब तैयार हो जाओ। नरसिम्हा रेड्डी के 4 टुकड़े करना। 3 टुकड़े दत्ता मंडलम के गांव में फेंक दो और चौथा उसका सर मेरे पास ले आना। सोल्जर्स एडवांस। मुझे भविष्य में युद्ध दिख रहा है और मुझे भविष्य में एक स्वतंत्र भारत दिख रहा है। सायरा, इस धरती पर सारे युद्ध सत्ता के लिए हुए हैं, स्वतंत्रता के लिए ये बड़ा युद्ध है। इस युद्ध को तुम्हें जीतना होगा। इस युद्ध में जीत हमारी ही होगी। लोगों के अंदर तुमने वही ज्वाला जगाई जो तुम में है। एक बच्चे में निर्भयता जगाकर उसे मुट्ठी बंद करने की शक्ति दी तुमने। तुम्हारा संघर्ष समाप्त हुआ। अंग्रेजों की गर्दन काटकर तुमने असली युद्ध आरंभ किया है। क्या तुम्हें विश्वास है कि पालेकर एकत्रित होंगे और सब लोग तुम्हारे साथ जाएंगे?
तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिखाए रास्ते पर हम सब चलें? हमने विद्रोह नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि हम में हिम्मत नहीं। अंग्रेजों से बगावत करके बड़े बड़े महाराजा मिट्टी में मिल गए, तुम किसके दम पर लड़ोगे बताओ? प्रजा। प्रजा ही लड़ेगी ये युद्ध। प्रजा युद्ध लड़ेगी? मैं कुछ समझा नहीं। राजा राजा से लड़ता है, सैनिक सैनिक से लड़ता है। कभी प्रजा को सरकार से लड़ते देखा है? कभी सुना है? जो सुना नहीं वो अब होगा। हम चाहे तो कर सकते हैं, अधिकार नहीं है तो क्या हुआ? लोग अब भी हमें अपना नायक मानते हैं। हम लड़ना शुरू करेंगे तो लोग अपने आप हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। लोग इस लड़ाई को क्रांति में बदल देंगे। क्रांति आंदोलन बन जाएगी और आंदोलन युद्ध। प्रजा अगर साथ लड़ेगी तब जाकर इस देश को स्वतंत्रता मिलेगी। पहले हमें आने वाले संकट से बचने के बारे में सोचना चाहिए। मल्ला रेड्डी, हम सब ने मिलके जो निर्णय लिया है वो अपने भाई को बता दीजिए। भाई मेरे, तुमने जो खजाना लूटा वो गांव वालों में तो बांट दिया, पर तुम्हारे कारण हम सब अंग्रेजों के दुश्मन बन गए। इसलिए हम सब ने मिलके एक निर्णय लिया है। हम अंग्रेजों से बात करेंगे कि तुम पर कोई मुसीबत ना आए। बस तुम्हें उनसे ये कहना है कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं था, और मेरे ख्याल से तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए। अंग्रेजों से क्षमा मांग? तुम्हारा क्षमा मांगने की बात की तो आपका सर काट दूंगा, भूल जाऊंगा आप मेरे बड़े भाई हैं। क्षमा मांगने पर अपने भाई का सर काट दोगे? ये कोई बैलों की दौड़ नहीं है नरसिम्हा रेड्डी, बैलों की दौड़ नहीं है ये। 300 तोपों और फिरंगियों के साथ युद्ध है, पर तुम्हारे साथ कोई नहीं। यहां उपस्थित कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा नरसिम्हा रेड्डी, तुम अकेले क्या कर लोगे? मैं लड़ूंगा। ये दिन जरूर आएगा, मैं तैयार हूं इसके लिए। अपना हल खुद चलाया, अपना अनाज खुद खाया, फौलाद का शरीर बनाया है, घोड़े की तरह दौड़ सकता हूं और लड़ते हुए मरने से पहले कम से कम 10 को मार सकता हूं। आप आगे बढ़िए सरकार, मैं आपके साथ हूं।
Narasimha Reddy. This is Daniel of the 57th Regiment of the British Company, Madras Presidency. Come forward and show your... Surrender! Prepare the cannon! Hello. He's here to lick our boots. ये युद्ध अपने लिए नहीं लड़ो, अपने भाइयों के लिए, अपनी माँओं के लिए, अपने बच्चों के लिए लड़ो। चाहे इतिहास हमें याद रखे या नहीं, लेकिन आज इतिहास हमसे लिखा जाएगा। हम उनके लिए सिर्फ 40 आम आदमी जरूर हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं 40 ने इतना साम्राज्य गिरा दिया, इतिहास इसका गवाह होगा। युद्ध का मैदान तुमने नहीं देखा तो क्या? हथियार उठाकर कभी नहीं लड़ा तो क्या? शिकार करना तुम्हारे लिए नया नहीं है, वैशी धरिंदों को मारना तुम्हारे लिए नया नहीं है, तो चलो शिकार करें। ये धरती किसकी है? ये युद्ध किसका है? विजय किसकी होगी? Thank you.
मौत तो मैं चाहता था। सुमैया, सो फिरंगियों के डर के मारे किसी पालेगार ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, पर तुम अकेले डटे रहे। उसी पल तुमने मुझे जीत लिया। वही 300 फिरंगी तुमसे डर गए और जिस पल मेरी मदद मांगने आ गए उसी पल तुमने उन्हें भी जीत लिया। और मैं तुम्हारी इसी जीत को अपनी आंखों से देखने आया हूं। सायरा नरसिम्हा रेड्डी, तुम मुझे पसंद आए अब गुराजू, पर तुम मुझे पसंद नहीं हो। जो कुछ मैं करना चाहता था तुमने मुझसे पहले कर दिखाया। जहां पर मैं रुका वहां तुम आगे बढ़ गए, इसीलिए तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। एक दिन इस आंदोलन में तुमसे आगे निकल जाऊंगा और मैं खुशी से तुम्हें जाने दूंगा। सायरा, सही सायरा। स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाला कभी मरता नहीं। सुबैया, मेरे बेटे का नाम होगा सुबैया। उसका सर बस आ रहा है। सरकार, उस एक सर के लिए इतने सारे गीत क्यों मंडरा रहे हैं?
संदेश भी भेजा है सरकार। जो हराम के चने रोटियां देने वालों के हाथ काट देते हैं उनके लिए चिट्ठी नहीं चेतावनी है। एक आदमी को मारा तो मुझे डाकू कह दिया, अब की बार 300 को मारा है तो समझ जा ये एक आंदोलन है, स्वतंत्रता के लिए जन जन का आंदोलन। आज के बाद जहाजों में भर के हमारे सफेद कपास विलायत नहीं जाएंगे, तुम्हारी सफेद चमड़ियां जाएंगी। अपनी भारत भूमि पर खड़ा मैं तुम्हें सावधान करता हूं, मेरा देश छोड़कर चले जा वरना युद्ध होगा। तुम्हारा शुभचिंतक मज्जारी नरसिम्हा रेड्डी। नरसिम्हा रेड्डी का चित्र बन गया। कुछ नहीं लिखा है इसमें। हमारे सामने खुद आके हमें चेतावनी देके चला गया। युद्ध शुरू कर गया है सरकार। मैं खुश हूं कि आप लोग हमारे साथ जुड़ गए। अब हमारा विद्रोह जन जन का आंदोलन बन जाएगा। अब आगे क्या करना है? हम अगर अपने किलों से लड़ते रहे तो इसे पालेगारों का युद्ध कहा जाएगा। लोगों के साथ रहकर लड़ेंगे तो ही ये जन आंदोलन बनेगा। हम प्रजा के साथ ही रहेंगे। सिद्धम्मा, क्या आज तक मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा है? कभी नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आज तुम मुझे एक वचन दोगी? कहिए ना। क्या तुम मेरी तरह लड़ सकती हो? मेरी जीवन संगनी तो तुम हो ही, लेकिन क्या तुम मेरी संघर्ष संगनी बन सकती हो? अकाल मिटाने के लिए हमारा मिलन हुआ था और आज देश के लिए हमें अलग होना होगा। मेरे स्वाभिमान और संघर्ष के लिए तुम बचपन से बलिदान देती आ रही हो, इस जन्म के लिए क्या तुम मुझे क्षमा कर पाओगी? ये क्या कह रहे? ऐसी बात मत कीजिए। सब कहते
जानते हैं आपका प्यार कोई और है, और मैं भी जानती हूँ कि ये सच है, लेकिन मैं आपको रोकूंगी नहीं। ये धरती और ये लोग, इनको आपकी जरूरत है। ना छोड़ने का वचन दिया था ना आपने, आपके वचन को कभी टूटने नहीं दूंगी। आज मैं आपको आजाद कर रही हूँ, निश्चिंत होकर लड़िए। युद्ध में साथ लड़ रहे लोगों को मिसाल देने के लिए उन्होंने सारे रिश्ते त्याग दिए हैं। मेरे साथ चलिए, कल सुबह से पहले आपको कोथकोटा छोड़ने का आदेश है मुझे। सरकार की तरफ से मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, वो नरसिम्हा रेड्डी कहाँ है बता दो। हमारे दिल में रहते हैं वो। शूट द हंट हिम। लोग हैं उसके साथ? यही कोई 100-200 होंगे। सायरा, सायरा, हम आंदोलन से कभी छल नहीं करेंगे, ना ही कभी से छोड़ेंगे। जब तक भारत माँ मुक्त नहीं हो जाती, स्वतंत्रता के संग्राम में जितने प्राण देने पड़ेंगे लेंगे, जितने प्राण देने पड़ेंगे लेंगे। नरसिम्हा सुनो, भैया से भूल हो गई, वो लालच में पड़ गए थे। हट जाओ सामने से। बस एक बार उन्हें क्षमा कर दो। भूल क्षमा की जाती है, विश्वासघात नहीं। तूने केवल भाई से नहीं बल्कि आंदोलन से छल किया। आप जैसी माता से जन्म लेकर भी इसने अक्षम्य अपराध किया है। इसे क्या सजा देनी है ये आप पे है। दीदी, मेरी खातिर इसे क्षमा कर दो।
चार महीने से हम उसे जंगलों में ढूंढ रहे हैं, पर उसका कोई पता नहीं चला। उसे जिंदा पकड़वाने वाले को 5,000 का इनाम दिया जाएगा। मैं जानता हूँ वो कहाँ है, कितना दोगे? और कितना दूर चलना पड़ेगा? बस आ गए, पैसा तो पूरा मिलेगा ना? जितना बोला था उससे ज्यादा ही मिलेगा। चलो इधर आया था, और ये आपके सर पर लगे इनाम के लिए। द्रोही, दे दिया इनाम मैंने इसे। तुम हो कौन? राजा पांडे। कहां से आए हो तुम? वीरों को जनने वाली तमिल भूमि से। लेकिन यहां क्यों आए हो? आप 6 महीनों से गोरों के साथ अकेले लड़ रहे हैं, इसीलिए आपका साथ देने चला आया। मुझे रख लीजिए, लक्ष्मण की तरह हमेशा साथ में रहूंगा, चाहे वीरता में हो या वीर गति में। तुम तमिल हो और हम तेलुगु लोग, साथ कैसे लड़ेंगे? भारत माँ हम दोनों की माँ है, तो ये मेरे भाई हुए, कुछ भी हो सकता है, हम लड़ लेंगे, भरोसा रखिए। नरसिम्हा रेड्डी के बारे में कैसे जानते हो? नरसिम्हा रेड्डी को तमिलनाडु में सब लोग जानते हैं, गांव-गांव में इनकी बहादुरी के गीत गाए जाते हैं। भैया आपका नाम जान सकती हूँ? लक्ष्मी, आपने तो आंदोलन में नए प्राण फूंक दिए, उनके बारे में ऐसे गाया जैसे आप उन्हें जानती हैं। मैं भी तो इसी का हिस्सा हूँ, और वैसे भी उनके बारे में कौन नहीं जानता। क्षमा करना, आपकी अनुमति के बिना आपके साथ गाने लगी। सिर्फ साथ गाना काफी नहीं है, युद्ध में अपना कोई वीर भेजिए। मैंने तो युद्ध के नायक को भेजा, मैं उनकी पत्नी हूँ। क्या वो भी यहाँ? मैं उनके लिए बाधा नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उन्हें आजाद कर दिया। उनके बिना जीना आपको मुश्किल नहीं लगता? वो मुझे जीवन भर का प्यार पहले ही दे चुके हैं। सही कहा, मुझे भी। आपका बेटा? हाँ। क्या मैं नहीं बेटा, नहीं रोते। नहीं, आओ बेटा, रोते नहीं। ओ ले ले, मेरा अच्छा बच्चा। किसे क्या देना चाहिए भगवान सब जानता है। आपको परिवार का भार दिया और मुझे आंदोलन को लोगों तक ले जाने का। सही कहा। ये रेनाडु की भूमि स्वतंत्र है, अपनी मातृभूमि से एक एक अंग्रेज को खदेड़ दूंगा। बता दो अपने लंदन के आकाओं को, मैं रेनाडु का नया महाराज हूं। बता दो कि अगर मेरी धरती पर पांव रखना है तो उन्हें मुझे लगान देना होगा। अब तुम अंग्रेजों की लड़ाई गुलामों से नहीं, स्वतंत्र भारतवासियों से है। इससे पहले कि लंदन तक बात पहुंचे इसे रोकना ही पड़ेगा। ये हम कैसे करेंगे? सब अचानक यहाँ? हमें लगा कोई अनहोनी होने वाली है नरसिम्हा, पूरे परिवार
परिवार को तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए हम तुम्हें देखने चले आए। डरने की कोई बात नहीं है माँ, जैसे पलकें आंखों की सुरक्षा करती हैं, वैसे ही ये सेना मेरी, मेरे लिए प्राण देने वाले वीरा रेड्डी जैसे मित्र हैं, कोई अनहोनी नहीं होगी, आप चिंता ना करें। इसे राजा बनाने के लिए मैंने इसका साथ नहीं दिया था। रेनाडू का राजा एक ही हो सकता है और वो हूं मैं। मैंने तो सोचा था अकू राजू मर गया, आज पता चला वो जिंदा है। मुझसे हाथ मिला लो, दोनों मिलकर राज करेंगे। कैसे? नरसिम्हा रेड्डी और उसके परिवार को मिटाकर। और उसके बाद? कोकरेन का दस्तखत किया हुआ राजीनामा है ये। हम इस विद्रोह को दबा पाए तो रेनाडू के दो हिस्से होंगे, उत्तर का राजा मैं और दक्षिण के राजा तुम बनोगे। पर हम दोनों काफी हैं। हम जैसे कई और लोग हैं सेना में, बस तुम जैसा एक साथी चाहिए। तो बताओ कब करें? आज रात को, जो भी करना है आज रात को ही करना होगा बसे रेड्डी, आज रात को। आधी रात को जब सब सो रहे होंगे, मैं किले के द्वार खोल दूंगा, मेरे आदमी अंदर आ जाएंगे। नरसिम्हा रेड्डी सबसे आखिरी वाले कमरे में सोता है, सब अपने कमरे में सो रहे होंगे तब मैं अंदर से दरवाजा खोल दूंगा। पूरब वाले कमरे में उसका अंगरक्षक राजा पांडी सो रहा होगा, उसे मैं मारूंगा। मैं अपने राजा को कभी धोखा नहीं दूंगा। दुश्मनों से लड़ने से पहले आस्तीन के सांप को पहचानना जरूरी है। तुम्हारे छल के कारण हमारे कई साथी मारे गए, उसी वक्त मार देना चाहिए था तुम्हें। लेकिन तुम्हारे जहरीले इरादों में और कौन कौन शामिल है ये जानने के लिए मैंने ये खेल खेला। अब खेल खत्म। सीने में नहीं, वो तो वीर की मौत होती है। ये पापी सौगंध खाकर मुकर गया है, ये तलवार इसकी गर्दन में घुसा दो। क्षमा मांगने वाले का मर जाना ही बेहतर है बसे रेड्डी। शाबाश नरसिम्हा, नायक हो तो तुम जैसा, एक एक द्रोही को ढूंढ के मार दिया। एक द्रोही अब भी बाकी है वीरा रेड्डी। Thank you.
जब तक डर और लालच है ऐसे लोग रुकावट बनते रहेंगे। मैं तो इसे वहीं मारने वाला था, लेकिन फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आया। इसे क्या दंड देना है ये तुम सोचो। मृत्यु दंड ही विश्वासघाती की सजा है, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। तुमसे नहीं होगा, मुझ पे छोड़ दो। खत्म कर दो इसे। यही है सरकार, गांव गांव घूम के लोगों को भड़काती है, आजादी के गीत गाती है, नचनिया है। तलवार युद्ध जीत सकती है, लेकिन कला युद्ध छेड़ सकती है। ये नरसिम्हा रेड्डी से खतरनाक है। सरकार, ये नरसिम्हा रेड्डी की प्रेमिका है। सोल्जर्स, ये लोगों को अपनी कला से भड़का रही है। आज हमारी भी आग भड़काएगी बिना कपड़ों के। राघवाचार्य, कम से कम मैं अपनी आंखें तो सेंक लूं। ये शरीर सिर्फ नरसिम्हा रेड्डी के लिए है, कोई और इसे छूने की जुर्रत नहीं कर सकता। क्या लगता है नरसिम्हा रेड्डी तुझे बचाने आएगा? सरा अपने चारों तरफ तो देख, बारूद से भरे ये हजारों बक्से युद्ध के लिए नहीं, नरसंहार के लिए। तत्मंडलम में कोई सवेरे का सूरज नहीं देखेगा, तेरा नरसिम्हा रेड्डी भी नहीं। कोई रास्ता नहीं है तेरे पास, चल नाच नाच ना। हर जीवन का महत्व होना चाहिए, हर मृत्यु एक नए जीवन का शुभारंभ होना चाहिए। जिस दिन अपने जीवन का लक्ष्य पा लिया, उस दिन अपनी मृत्यु का उद्देश्य भी पा लिया। Thank you.
जजमान, मृतक का नाम बताइए। लक्ष्मी। लक्ष्मी नरसिम्हा रेड्डी। एक औरत ने सुइसाइड ब्लास्ट करके हमारे 300 सिपाहियों को उड़ा दिया। 2000 लोग इस एक आदमी के साथ क्यों खड़े हैं? What is happening? Freedom fight. वो समझता है कुछ चूहों के साथ मिलकर वो जन आंदोलन छेड़ देगा हमारे खिलाफ। कैसा जन आंदोलन? My lord, शेरों की सेना से डरने की जरूरत नहीं अगर उसका नायक चूहा हो, लेकिन चूहों की सेना का नायक शेर हो तो डरने की बात है। वो हर चूहे को शेर बना देगा। इस वीर तिलक से तुम्हें भारत माँ के माथे पर आजादी का सिंदूर लगाना है। युद्ध का ऐलान करो, उसे समझौते के लिए बुलाओ, अगर वो मना करे तो उसे मार डालो। जाओ बेटा, रणभूमि में विजयी हो। वीर बेटो, मातृभूमि का ऋण चुकाने का समय आ गया है। अपने रक्त से आज हमारे इस पावन देश को हमेशा के लिए आजाद कर दे। Yeah!
10,000 of their men are dead, sir. 10,000 of our men have died. You tried to hide this from me. What about Narasimha Reddy? He's very badly wounded, sir. Afwa phailado ki, wo mar gaya. Sir, he's not. Narasimha Reddy sirf ek naam nahi. Azadi ka prateek hai. उसने हमारा एक आदमी मारा, 40 लोग उसके साथ हो लिए। उसने हमारे 300 लोग मारे, 4,000 उसके साथ आ गए। अगर इस देश के लोगों को पता चल गया कि उसने हमारे 10,000 आदमी मार दिए, वो 4,000 लाखों में बदल जाएंगे और लाखों करोड़ों में इस देश के लोग विद्रोह कर देंगे। अभी यहाँ के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। अपने लीडर की मौत की खबर सुनेंगे तो उनका गुस्सा दब जाएगा और उनका जोश भी मर जाएगा। तो उसके लोगों तक उसकी मौत की खबर पहुंचाओ, उसकी जीत की नहीं। और आगे क्या करना है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। सर, मिस्टर वीर रेड्डी, तुम मेरे शत्रु हो और मैं तुम्हारा। सुना मैंने तुम्हारे बारे में, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, सुनकर तरस आया। सुना तुम्हारा एक बेटा था जिससे तुम बहुत प्यार करते थे, और उस बेटे को नरसिम्हा रेड्डी ने मार दिया। उसने विश्वासघात किया, इसीलिए नरसिम्हा रेड्डी ने मार दिया उसे। तो फिर उसी विश्वासघात के लिए उसने अपने भाई को क्यों छोड़ दिया? क्या इंसाफ सबके लिए एक नहीं होना चाहिए? इनजस्टिस, ब्लडी ब्लड रिलेशंस हमेशा ना इंसाफी की वजह बनते हैं। मेरा तो खून खोल रहा है। पता नहीं तुम इतने शांत कैसे हो वीर रेड्डी। मैं यहां पर तुम्हारा फायदा उठाने नहीं आया, पर आंखें खोलकर देखो कौन तुम्हारा फायदा उठा रहा है। सोच के देखो वीर रेड्डी। स्वामी, युद्ध में क्या हुआ कोई ठीक से बता नहीं पा रहा। मैंने सुना मेरा बेटा शहीद हो गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। आज कार्तिक पूर्णिमा है, जगन्नाथ टीले पर दिया जलेगा। कहाँ जा रहे हो नरसिम्हा? आज कार्तिक पूर्णिमा की रात है, टीले पे दीप जलाने जाना ही होगा मुझे। क्या तुम्हारा जाना इतना जरूरी है? फिरंगी पहले ही अफवाह फैला रहे हैं कि तुम मर चुके हो। आज हजारों लोगों की आंखें टीले की ओर बड़ी आशा से देख रही होंगी, और उन्हें ये दिखना चाहिए कि हम युद्ध जीत गए हैं और हमारा आंदोलन जिंदा है। अभी तुम जरूरी हो, वो दीप नहीं। नहीं, वो विश्वास जरूरी है जो लोगों ने हमें दिखाया है। आज उस दीपक का जलना जरूरी है। मुझे लग रहा है कोई अनहोनी होने वाली है नरसिम्हा रेड्डी। नरसिम्हा रेड्डी बिल्कुल सही कह रहे हैं, विश्वास नहीं मरना चाहिए। कोई अनहोनी नहीं होगी, मुझ पे भरोसा रखो। सिद्धबा, कैसे हो?
सिद्धमा, सिद्धमा कैसी हो तुम? ठीक तो है ना? हाँ, लेकिन इस समय तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे पता था आपको कुछ नहीं होगा, मैं सिर्फ आपको देखने आई थी। आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं नहीं, मैं जानती थी आपको कुछ नहीं होगा। ला मुझे तो। कितना प्यार है। क्या हुआ? पकड़ो इसको। क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत अचानक चक्कर आ रही। समय तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, निकलो यहाँ से, जल्दी करो। हमको ऐसे छोड़ के नहीं जाओ। दीपक जलना नहीं चाहिए, उसे जिंदा पकड़ो। संभल के सिद्धमा, यह रास्ता कोई नहीं जानता, तुम इस गुफा से निकल जाओ, जल्दी करो। मुझे यहीं रहने दीजिए। नहीं सिद्धमा, उस दीप को जलाना ही होगा, तुम्हें भी इस दीपक को संभाल के जाओ। संभाल के। मेरी चिंता मत करो, जीवन संबंधों से ज्यादा कर्तव्यों के लिए होना चाहिए। बेटा तुम जिंदा हो? नहीं, उन्होंने मुझे नहीं मारा बाबा। तो फिर तुम जानते हो ना, बहुत प्रेम करते हैं तुमसे तुम्हारे बाबा, बहुत आशाएं लगा रखी हैं उन्होंने तुमसे। अगर तुम मर गए तो उनकी आत्मा मर जाएगी, और मैं वीरा रेड्डी को ऐसे नहीं देख सकता। जाओ और अपने पिता को पूरी तरह से मार दो, जाओ। अपराधी हूं मैं, लाने दीजिए मुझे। हमसे नहीं, अंग्रेजों से छल करो, देशभक्त कहलाओगे। देश के लिए कुछ करके बाबा से मिलो, वो फिर से जी उठेंगे। बाबा, नरसिम्हा रेड्डी को नशीली दवा पिला के कोई नीच पकड़वाना चाहता है, उन्हें बताना है कहां मिलेंगे वो बाबा।
वो नीच मैं ही हूं। ये आपने क्या कर दिया? रेड्डी मिस्टर नरसिम्हा रेड्डी, तुम्हारे साथी गोसाई वेंकना, अवकु राजू, पापा खान और तुम्हारे 112 सहयोगियों को दंड स्वरूप एक टापू पर भेजा जा रहा है। अपने सारे अपराध स्वीकार करो और क्षमा मांग लो। अंग्रेज सरकार शायद रहम खाकर तुम्हारी सजा कम कर दे। क्षमा मांगू? कभी नहीं। अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो अभी इसी वक्त बताओ। Get out from my motherland! Section 2, Regulation 1, 1834 Act के तहत जनता की मौजूदगी में इसे फांसी पर लटका दो। मृत्यु में भी अपने मित्र का साथ दे पाता तो अच्छा होता। नरसिम्हा रेड्डी, जो जीत की कगार पर खड़े हैं वो मौत से परे हैं। मृत्यु ने पराजित नहीं कर सकती। The court of Fort Story Adalat convicts the prisoner Majari Narasimha Reddy on the counts of rebellion, murder and robbery, and hence orders him to hang by the neck
until death. सर उठा। आंसू पोंछकर और सीना तानकर गर्व से देखो मेरी ओर। तुम्हारे सामने है स्वतंत्रता। इस देश में माताएं बच्चों को वीर गाथाएं गाकर सुनाती हैं। इस देश में जो युद्ध हुए महाकाव्य बन गए। इस देश में जो खून बहा इतिहास बन गया। हम वो हैं जिन्होंने दुनिया को मोक्ष सिखाया। अब हम सबको मुक्ति सिखाएंगे। हमने बेखौफ जीना सिखाया। अब आजाद मरना सिखाएंगे। भारत की पवित्र भूमि से इन अंग्रेजों को खदेड़ कर दम लेना जो हमारी माओ की छातियों से दूध चुरा कर उनका सर काट देते हैं। इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया उसका सिर्फ एक परम लक्ष्य होना चाहिए। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। जो भी युद्ध में शहीद हो जाता है वो स्वयं युद्ध बन जाता है। आज से मैं भी युद्ध हूँ। जो राष्ट्र के लिए आहुति देता है वो स्वयं राष्ट्र बन जाता है। आज से मैं राष्ट्र हूँ। आज जब मुझे सूली पर चढ़ाया जाएगा उसका उत्सव मनाना, महापर्व बना देना इस दिन को। ये जो हो रहा है ये मेरी मृत्यु नहीं है साथियों, जन्म है। आज का दिन भारत की स्वतंत्रता का जन्म है। भारत माता की, भारत माता की जय। Thank you.
नायक की मृत्यु से युद्ध का अंत होता है, लेकिन तुम्हारी मृत्यु से ये युद्ध आरंभ हुआ है। ये थमेगा नहीं, तुम जीत गए नरसिम्हा। इस युद्ध में नरसिम्हा रेड्डी ने जान फूंकी थी, हम इसे आगे बढ़ाएंगे। यहाँ के हर योद्धा के हथियार में नरसिम्हा रेड्डी के प्राण बसे हैं। क्या हम ये भूल जाएं? हमारा लक्ष्य